सिलेंडर के भाव बढ़ने से कुछ जगहों पर 14.2 किलो के तो कुछ लोग सिलेंडर से 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर में गैस उलटने का काम भी कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर है और इसमें सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि विस्फोट और आग लगने का भी बहुत बड़ा खतरा है। इस विषय पर आज ग्राहक भारतीय जनजागृति अभियान की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन में भी चर्चा की गई है। काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स कंज्यूमर इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरी विनोद तिवारी ने आज नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, सरकारी तेल कंपनियां और एलपीजी वितरक संगठित रैकेटियों का समर्थन कर रहे हैं और सरकार को उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। ग्राहक भारती के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता आंदोलन शुरू किया गया है और इस गंभीर मुद्दे का समाधान खोजने के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को जुटाया जा रहा है। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए तिवारी ने कहा कि इस सबका कारण यह है कि कालाबाजारी करने वालों को यदि थोड़ी सी भी राशि का भुगतान किया जाता है तो घरेलू सिलेंडर बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ गैस एजेंसियां नकली ग्राहकों के नाम पर पंजीकरण कर तेल कंपनियों से अतिरिक्त सिलेंडर लेकर ब्लैकमेल कर रही है। एक तरफ जहाँ सिलेंडर के बढ़ते दाम से आम आदमी और गरीब सिलेंडर का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्तमान में एक परिवार 2 से 3 महीने में सिलेंडर का उपयोग कर रहा है। तेल कंपनियों में नए मार्केटिंग फंड का इस्तेमाल कर ऑटो बुकिंग के नाम पर वितरकों के जरिए उपभोक्ताओं तक गैस सिलेंडर पहुंचाना शुरू कर दिया है, लेकिन सिलेंडर बुक नहीं होने के कारण जरूरत न होने पर वे ग्राहक नहीं लेते हैं। ऐसे में कालाबाजारी में अवैध रूप से सिलेंडर बेचा जाता है। इस तरह कई गैस एजेंसियां जगह जगह संगठित रैकेट के साथ सिलेंडरों को व्यापक रूप से ब्लैकमेल कर रही है। इसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और यह गंभीर मुद्दा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एलपीजी गैस को आसानी से गैस रूपांतरण व्यवसाय चलाकर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालकर वाहनों में लोड किया जा रहा है। टुल्लू पंप की मदद से गैस सिलेंडर से एक बहुत ही साधारण ट्यूब के माध्यम से वाहनों में गैस पंप की जाती है। कितनी गैस भरी जाती है यह मापने के लिए विद्युत मापने वाले उपकरण इलेक्ट्रॉनिक कांटे का उपयोग सबसे गंभीर है। इस विषय पर आज नागपुर में ली गई पत्रकार परिषद में चर्चा हुई। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ग्राहक भारती ही जी संघटना आहे त्या संघटनेच्या माध्यमातून एक जनजागृती चळवळीचा विषय आम्ही घेतलेला आहे। एल पी जी सिलेंडरच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या ज्या किमती वाढलेल्या आहेत त्या किमती वाढण्याने याचं डायव्हर्शन खूप मोठ्या प्रमाणात भारतामध्ये होऊन राहिलेला आहे। हा विषय काही नागपूरपुरता मर्यादित नाही, महाराष्ट्रापुरता सीमित नाही, हा विषय कमी जास्त प्रमाणात प्रत्येक राज्यामध्ये आहे आणि खास करतं मोठ्या शहरामध्ये याचा उद्रेक खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेला आहे। कारण जर 14.2 जो घरगुती उपयोगाचा सिलेंडर आहे हे सिलेंडर जर 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरमध्ये पलटवण्यात आलं तर त्याची किंमत जी आहे ना, हा जो 1000 रुपयाचा सिलेंडर यांनी घेतला आणि 1100 घेतला, समजा 1000 पडला असेल तरी, तर त्याला पलटी मारून जर विकला तर तो सिलेंडर सरळ 2400 रुपयाचा होतो। म्हणजे एवढा मोठा फरक आहे आणि एवढा मोठा फरक असल्यामुळे हे जे डायव्हर्शन एकदम खोपावलेलं आहे त्यावरती कायदा इम्प्लिमेंट करणाऱ्या एजन्सीचं कंट्रोल पूर्ण राहिलेलं नाही। 2 वर्षापूर्वी व्यावसायिक गॅस आणि घरगुती गॅस याच्या किमतीमध्ये काही जास्त फरक नव्हता, त्यावेळेस भारत सरकारने उजाला फुजाला नावाने खूप कनेक्शन वाटले। आज ते उजालाचे सिलेंडर त्या उजालाच्या ग्राहकाकडे पोहोचत आहे काय, याचं काहीच ॲनालिसिस काही तारतम्य ऑइल कंपन्याकडे किंवा भारत सरकारकडे अजिबात नाही। तेव्हा नियंत्रण नाही झालं, जेव्हा नियंत्रण राहिलं नाही, जेव्हा ऑइल कंपन्याच्या डीलर विरुद्ध कारवाई होत नाही, त्यांची MDG जी गाईडलाईन आहे त्या गाईडलाईनचं इम्प्लिमेंटेशन होत नाही, त्याला शोकॉज दिली जात नाही, त्यांच्या एजन्सीचा टर्मिनेट होत नाही, त्यांच्यावरती कारवाई होत नाही, मॉनिटरी पेनॉल्टी लागत नाही, कधी तुम्ही पाहिलं का, कधी ऐकलं का अशा कारवाई झाल्या, एजन्सी बंद झाली आहे वगैरे वगैरे, एक्स्ट्रीम लेवलवरती एखादी केस भारतात होत असेल। तर हा जो आज राजरोसपणे हा जो हा डायव्हर्शनचा व्यवहार चालला आहे त्यांनी एक खूप मोठा ब्लास्टचा धोका, आगी लागण्याचा जो धोका आणि हे सगळं पूर्ण जळून खाक होण्याचा धोकासुद्धा निर्माण झालेला आहे। म्हणून आमचं हे जनजागृती चळवळ जी आहे ही समाजासाठी आहे, सरकारसाठी तर आहेच आहे, कारण सरकारचं रेव्हेन्यू याच्यामध्ये 30 ते 40 हजार कोटी पर ॲनमचं टॅक्सेशनचं रेव्हेन्यू चाललं, सबसिडी बुडून राहिली त्याच्यापेक्षा जास्त। म्हणजे हा जो एक सिलेक्ट समाजातील एका बोटावरती मोजणाऱ्या लोकांनी हा जो हैदोद चालवलेला आहे त्या हैदोदाचा किती मोठा परिणाम भारताला होऊन राहिला आणि त्यामुळे आपल्याला हा सिलेंडर घ्यावा लागला 1000 रुपयाला,
अहो जेव्हा ही सबसिडीचा हा जो ही जी चोरी कर तुम्ही थांबवली तर सिलेंडर 600 रुपयाला होईल आणि सरकारला का समजत नाही हे म्हणजे समजत नाही मग उमजत नाही काय आहे हे आता हे समजायला आम्हाला चान्स नाही आहे म्हणून आम्ही हा जो विषय घेतला मी जो तुम्हाला प्रेस कॉन्फरन्समध्ये समजून सांगितला हा विषय कुणा एका व्यक्तीचा नाही कुणाच्या विरुद्ध नाही कुण्या एका डीलरच्या विरुद्ध ऑइल कंपनीच्या विरुद्ध नाही ही जे कीड लागलेली आहे सामाजिक कीड पूर्ण आणि एक इझी अर्निंग मनी का जो पॅटर्न गिरा आहे एक तो व्हाईट कॉलर क्राईम आहे ये कोई चोरी चपाटी नहीं चोरी चपाटी के ऊपर आई है समाज को लगे वाली कीड़ है इस कीड़ के ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए सरकार ने अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है उसी कानून को करना चाहिए इम्प्लीमेंट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर है आईपीसी की प्रोविजन है इतने बुरी तरह सरकार के अधिकारियों के पास में अधिकार है इसके फ्लाइंग स्क्वाड है ज्वाइंट के किधर एक्शन हो रही है नहीं एजेंसी के लोग इन्वॉल्व है ना बगैर एजेंसी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ऑयल कंपनी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर अफसरों के इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा रैकेट कैसा हो सकता 40 सिलेंडर बेलतोड़ में फूटे और बोलते शॉर्ट सर्किट से अंगार लगी व्हाट इज गोइंग ऑन सगळ्यांना माहित आहे पलटी उद्योग चालू होता पलटी उद्योगामुळे गॅस लीक झाला चूला जल रहा था गॅस फुटा सिलेंडर फूटने लगे सिलेंडर उड़ने लगे अरे लोगों ने रील बनाई है ना पूरी भारत में इतना बड़ा ऐक्सिडेंट नहीं हुआ है ना चर्चाच नहीं त्याच्यावरती कोणताही राजकीय नेता कोणताही पदाधिकारी कोणताही लोकप्रतिनिधि बोलायला आया नहीं तैयार सगळ्या राजकीय लोकांच्या एजेंसी आहेत एजेंसी ज्यात आहे पहिले तो खासदार तिकीट घ्या किंवा किंवा गॅसची एजेंसी घ्या असा पॅटर्न एकही माणूस नॉन राजकीय नाही वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट बॉस ने मीटिंग बुलाई क्या यार आदमी की तकलीफ को तो समझो बार बार उठो बैठो उठो बैठो जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासीर की है बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड नागपुर कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com